किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप धोते धोते। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम गंगा बचाओ अभियान के तहत आपके सामने बिंदास बोल लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम से हम शुरुआत कर रहे हैं कि गंगा के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आप इसमें तन मन और धन के साथ क्या दे सकते हैं, आपकी सलाह क्या है, यह हम सुनना चाहते हैं और इसका समर्थन करने के लिए स्क्रीन पर चल रहे मोबाइल नंबर पर आप मिस कॉल दे सकते हैं। आप इसकी जानकारी लेने के लिए आप हमारे सेव गंगा .in इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसमें अपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक और ट्विटर का आईडी है ज्वाइन सेव गंगा। चलिए कॉलर के बाद चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हरिओम, बोलिए। हाँ, कुआ का जैसे पानी वृक्ष आयुर्वेद के हिसाब से कुएं का अगर पानी शुद्ध करने के लिए पांच वनस्पति लगती है जिसका नाम है अंजन, मोथा, खस, आंवला और कत्तक, जिसको निर्मली भी बोलते हैं। तो ये अगर पांच वनस्पति अगर नदी के किनारे पे, गंगा के किनारे पे या और नदियों के किनारे पे अगर लगा दी जाए तो उससे नदी का पानी बहुत शुद्ध हो जाएगा और गंगा शुद्ध होने में और ज्यादा मदद होगी। यही मेरा उत्तर है। अच्छी जानकारी आपने दी है, लेकिन इसका अनुपात और गंदगी का अनुपात इतना विरोधाभासी है कि केवल इतना करने से बनेगा नहीं, लेकिन ये भी करना चाहिए। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हाँ जी, मैं ओम प्रकाश मिश्रा जयपुर से बोल रहा हूँ और पेशे से मैं एक सिविल इंजीनियर भी हूँ। मुझे इस संबंध में एक ही चीज कहना है कि ये मैं तो 10-15 साल से जितनी भी नदियां हैं उनकी गंदगी और ये गंगा जी सब पे सफाई अभियान हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये मुहिम खत्म कब होगी इस बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं। क्यों हम लोग का आज तक कोई इस प्लान पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन है ही नहीं, कोई प्लानिंग किसी भी तरह की है ही नहीं। क्यों जितनी भी मंदिर या धार्मिक स्थल या इंडस्ट्रीज वो सब नदियों के किनारे ही हैं और वो वैसे ही चल रहे हैं जो 50 साल पहले से चल रहे थे, उसी स्पीड से वही गंदगी सब उसमें शामिल होती ही जा रही है। सरकारें नीतियां बनाती हैं लेकिन उसको लागू नहीं कर पाती हैं और न ही करने की चेष्टा करती हैं। सिर्फ टीवी में, पेपरों में जागरूकता अभियान, ये कि हम ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं। सबसे पहले मेरी राय तो यही होगी कि जो प्लास्टिक की जो थैलियां मंदिरों में या अन्य जगहों पे जो बेची जाती हैं या उसे सामान दिए जाते हैं, पहले तो वहीं पे बंद होना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जब जनता को दुकानदार स्वयं दे रहा है तो वो कैसे जागरूक होगा? आप उसका प्रोटेक्शन ही पहले बंद कर दीजिए। जब प्रोटेक्शन ही नहीं होगा तो वो दुकानदार उसमें कोई भी चीज देगा ही नहीं। और जो भी हम जब कोई नया शहर बसाते हैं तो वेस्ट जो पानी जो फैक्ट्रियों से निकलेंगे उसका हम पहले ट्रीटमेंट करें, ट्रीटमेंट करने के बाद उसको भेजे। और दूसरा एक सूचना दीजिए, आप अच्छी जानकारी अच्छी बात आपने कही है। प्लास्टिक ये तो पर्यावरण का ही एक तरीके से ऐसा खतरा है, ऐसा नुकसान है, ऐसा दुश्मन है जिसको हम जितना कम उपयोग में लाए और खास करके अगर उपयोग में लाए तो उसको डिस्ट्रॉय ध्यान से करें। उसका कुछ अच्छा उपयोग हो सकता है लेकिन हम उसको अगर ऐसा फेंकेंगे तो उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब रहेगी। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो सर। हाँ जय हिंद सर, बोलिए। जय हिंद सर, हमें बचाने के लिए खुद को जागरूक होना जरूरी है सर। हाँ हमें धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि पहले सोच लीजिए कि आपको क्या बोलना है। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं सुभाष गुप्ता बोल रहा हूँ भजनपुरा से, दिल्ली से। हाँ सर,
सर मैं ये कह रहा था हाँ। कि गंगा की सफाई के लिए या यमुना की सफाई के लिए गवर्नमेंट ने इतने पैसे आज तक जो खर्च किए लेकिन कभी दिखा नहीं किस चीज में खर्च करते हैं हाँ। सफाई तो कभी होती नहीं देखी, कभी कोई काम नहीं किया, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ काम नहीं हुआ, पैसा बंदर बांट किया और खा गए। और सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की ये है कि जो जितनी भी नाले हैं, सीवरेज है, इनका अलग से होना चाहिए, सारे नदियों में ही डाल देते हैं, तो सीवरेज पे तो पूरा काम होना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, केवल सीवरेज हट जाए तो मैं समझ रहा हूँ 70% समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ धन्यवाद। हम जिसको माँ कहते हैं उसमें हमारे टॉयलेट का पानी छोड़ते हैं, हमारे कपड़े धोने का पानी छोड़ते हैं, हमारी व्यवस्था ही इतनी खराब बनाई गई, जिन्होंने हमको सिखाया आजादी के बाद कि ऐसी व्यवस्था बनाओ, पहले तो हम नदी में कचरा डालना मतलब पाप समझते थे, हम पाप से दूर हट गए, अब हम पाप पुण्य को मानते नहीं, तो उसका सबसे बड़ा परिणाम अगर किसी को भुगतना पड़ा, वैसे सबको भुगतना पड़ा, रिश्तों को भुगतना पड़ा, लेकिन सबसे परिणाम बड़ा प्रकृति को भुगतना पड़ा, हम प्रकृति के खिलाफ जाने, उसको नुकसान पहुंचाने, एक पत्ता तोड़ने को भी अनावश्यक हम पाप समझते थे, वो अब नहीं समझते और इसलिए ये स्थिति है। अगले कॉल, जय हिंद। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मैं रजिंदर सुखानी बोल रहा हूँ न्यू दिल्ली से। हाँ देखिए, ऐसा है कि अब हमारे मोदी साहब ने बड़ा अच्छा मिशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि ये जितनी भी वहाँ पे छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं पॉलिथीन का, इनको सबको पहले तो बंद करवाना चाहिए, सो दैट कि आप ये जितना फैक्ट्री का गंदा पानी है, गंदा हर चीज, वो सब गंगा में जा रहा है। तो मैं तो ये कहूंगा कि मिशन अच्छा शुरू किया आपके आपके सुदर्शन न्यूज की तरफ से, तो मैं तो आपके बिल्कुल साथ हूँ, जो हम सहयोग कर सकते हैं हम आपको जरूर सहयोग करेंगे। बिल्कुल, आप नंबर पर अपना मिस कॉल करके अपना समर्थन दे दीजिए, हम आपको संपर्क करेंगे, स्क्रीन पर चल रहा जो ऊपर नंबर चलता है बैंड पे, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, साथ में हमारे सोशल आईडी, सोशल मीडिया की जितने आईडी है उस पे संपर्क कर सकते हैं, प्रत्यक्ष जो आसपास रहते हो यहाँ के मिल सकते हैं। हम इसके लिए एक समिति बनाना चाहते हैं जो विभिन्न स्तरों पर काम करेगी और इसके लिए सरकार जो करे, अब हम उनकी चिंता चर्चा नहीं करेंगे कि अब तक क्या हुआ, अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। जरा इसके पहले कारणों पर नजर डालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रासायनिक कचरा, गंगा नदी कई नगरों और शहरों से होकर गुजरती है, यूं कहा जा सकता है कि कई नगर और शहर गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। दुनिया भर में औद्योगिक क्रांति हुआ और इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ा। गंगा तट के किनारे बसे नगरों और शहरों में भी उद्योग धंधों की शुरुआत हुई। इन उद्योग से निकलने वाले कचरे गंगा नदी में फेंके जाने लगे। ये प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है। उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोग आज भी गंगा में रासायनिक कचरा बहा रहे हैं। इनको रोकने या समझाने की सारी कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। रासायनिक कचरों का अनवर प्रवाह इंसान के मुनाफा कमाने की मानसिकता से जुड़ी हुई है। अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वे गंगा नदी के वजूद के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। मल मूत्र का त्याग, हरिद्वार तक इसके मार्ग में पड़ने वाले लगभग 12 नगर पालिका कस्बों के नालों से लगभग 8,90,00,000 लीटर मल जल प्रतिदिन गंगा में गिरता है। नदी में गिरने वाले मल जल की मात्रा तब अधिक बढ़ जाती है जब मई और अक्टूबर के बीच लगभग 15,00,000 लोग चार धाम यात्रा पर प्रति वर्ष राज्य में आते हैं। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे बसे दूसरे नगरों और कस्बों की नालियों को भी इसी में गिराया जाता है। कहा जा सकता है कि लगभग हर शहर और नगर जो गंगा तट पर बसे हुए हैं अपनी गंदगी गंगा में ही उड़ेलते हैं। अधजले शवों व मरे जानवरों को फेंका जाना, अधजले शव भी गंगा नदी में खूब फेंके जाते हैं। हिंदू परंपरा के मुताबिक मृत व्यक्ति को गंगा नदी के किनारे ही अंतिम संस्कार करने की कोशिश की जाती है। गंगा किनारे स्थित मुर्दा घाटों पर तो लोग दूर दूर से शवों को जलाने आते हैं। शवों को जलाने के बाद उनके अवशेषों को गंगा नदी में फेंक दिया जाता है। भस्मक के अभाव में हरिद्वार में तो अधजले मानव शरीर को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसके अलावा मरे हुए जानवर भी गंगा नदी में फेंके जाते हैं। इस तरह शवों को गंगा में फेंकने की प्रक्रिया लंबे समय से चलती आ रही है। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं। जयहिंद। जयहिंद सर, मेरा नाम दुर्गेश पांडे है, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मैं ये जानना चाह ये मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा को साफ करने के लिए सबसे पहले जो हमारे जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा।
जो डेड बॉडीज हैं उनको दूर उसमें बहाया ना जाए। हेलो, बिल्कुल। और जो सफाई करने का अभियान है, जनता से जब तक जुड़ा रहेगा तब तक ही मोदी जी उसमें सफल हो सकते हैं। तो मोदी जी ने जो अभियान जो गंगा के लिए साफ के लिए चलाया है उसमें हमारा सहयोग, जब तक जनता से नहीं जुड़ा होगा तब तक गंगा साफ नहीं हो सकती। तो जनता से जुड़ाव जरूरी है, हमें भी ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। हमें भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं हमें ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मोदी बदले हैं। अभी सरकारी बाबुओं को बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा, सिस्टम को बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन समाज अगर बदलता है और वो भी कुछ प्रतिशत बदलता है, 100% में तो फिर भी टाइम लगेगा, तो भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसलिए हमको इस अभियान में अपना अभियान समझ कर हाथ में लेना है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि आप अपने टीवी के आवाज को म्यूट करके हमसे बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं बिल्कुल गंगा किनारे का रहने वाला हूँ। हाँ। गंगा जो है सबसे पहले जितनी भी ये नदियां हैं सब शहर के किनारे से गुजरती है, पहले भी गुजरती थी अभी भी गुजरती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दोष अभी आ गया है कि करीब करीब बहुत से मुहाने पे गंगा का जो फोर है उसको पतला कर दिया गया है, जिसके चलते इसमें बहाव कम हो गया है। पहले इसमें कछुआ आया करता था, सौंस आया करता था, बड़ी बड़ी मछलियां थी जो गंदे चीजों को खा करके भी शुद्ध किया करता था, लेकिन अभी जो भी शहर है वो डायरेक्ट अपना जितना भी रासायनिक पदार्थ वगैरह उसके किनारे जो है उसमें छोड़ने के बाद उसके ऊपर में किसी भी तरह का किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो सोचते हैं चलो मेरा काम पूरा हो गया और रासायनिक तत्व उसमें चला गया, नदी उसको बहा के लेके चली जाएगी। तो सबसे पहले देखना है कि उसमें जीव जंतु जितने भी हैं वो सुरक्षित रहे और जिसके चलते कि उसका शुद्धिकरण होता रहेगा, प्लस ड्रेजिंग जो है सो बहुत ही निहायत जरूरी है। पहले उसमें जितना भी आइलैंड हुआ करता था दियारा, उसमें कास हुआ करता था, झुआ हुआ करता था, वो सब लोग वह काट करके अभी खेती में उसको परिणत कर रहे हैं, जिसके चलते भी उस पर जो मिट्टी बैठती थी अच्छी अच्छी मिट्टी बैठती थी वो मिट्टी उसके ऊपर बैठ नहीं पाती है, जिसकी वजह से किनारे का इरोजन होता है, उसमें जितने भी दूषित पदार्थ है और भी शहर के करीब जाकर के ज्यादा उसमें आना शुरू हो गया है। तो ये सब पर ध्यान देने के लिए आप एक प्रोग्राम क्यों नहीं चालू करते? यही तो प्रोग्राम है, उसी के लिए है। धन्यवाद। ऐसे ही आपकी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हम ले रहे, हम केवल सूचनाएं यहाँ शो में नहीं ले रहे, हम गोमुख से लेके गंगा सागर तक देश के विभिन्न लोगों को अपने आंखों से प्रत्यक्ष रूप से वहां क्या स्थिति है ये दिखाने के लिए तैयार है। उसको कैमरे से शूट करके हम आपको दिखाएंगे, देश के विशेषज्ञों को दिखाएंगे, इसका एक प्रोजेक्ट पेपर तैयार करेंगे, वो भारत सरकार को देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि इसमें हम कमर्शियल ऐसी कुछ चीजें चला सकते हैं, नाव बोट अलग अलग प्रकार की, उसमें से माल को ढोया जा सकता है, उसके किनारे जैसे गुजरात में हुआ है ऐसा उसका रिवर बनाया जा सकता है, उसका किनारा बनाया जा सकता है, हम उसको बदल सकते हैं, ऐसा सरकार अगर कह रही है तो समाज भी इसके साथ जुड़े, ये आज के पहल का उद्देश्य है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर, बोलिए। सर मैं भोपाल से बोल रही हूँ। हाँ। गंगा को बचाने के लिए किनारे पे जो मंदिर के आसपास की दुकानें हैं सर, उन पे पन्नियों में सामान बेचने पर बैन लगाना चाहिए। जो दुकानदार पन्नी में सामान बेचे या लेके जाए उस पर जुर्माना ठोकना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात है कि जो ज्यादातर मंदिर नदियों के किनारे है और गंगा के किनारे तो है ही, क्योंकि तमाम तीर्थ गंगा के किनारे आते हैं, वहां पर के मंदिरों में यहां तक कि गंगा के पूजन में जो सामान लेके जाते हैं वो भी आजकल ड्रोन हो या सामान रखने की थैली हो, फूल लेके जाने की थैली हो, प्लास्टिक की आती है, लोग पुण्य कमाने के लिए वहां पर फूल डाल देते हैं, ये भूल जाते हैं कि प्लास्टिक डालने से वो नुकसान कर रहे हैं, ये रोकना जरूरी है। अगले कॉलर के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा परिणामों पर नजर डाल देते हैं कि क्या परिणाम होंगे। देखिए, जल जीवों पर खतरा, गंगा में फेंके जा रहे रासायनिक कचरों का असर गंगा नदी में रहने वाले जलचरों पर पड़ रहा है। गंगा में रहने वाले कई जीव जंतु इन रासायनों से बुरी तरह से परेशान हैं, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में रासायनिक कचरे की वजह से गंगा में रहने वाली डॉल्फिन मछलियों की संख्या काफी कम हो गई है।
वैज्ञानिकों का कहना है गंगा में रहने वाली डॉल्फिन दुर्लभ डॉल्फिन की श्रेणी में आती हैं, लेकिन रासायनिक कचरों के कारण इनका अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त गंगा नदी में रहने वाले अन्य कई जीव जंतु भी विलुप्त होने के कगार पर हैं। बीमारी फैलने की आशंका। गंगा भले ही प्रदूषित होती जा रही है, लेकिन इसके प्रति लोगों की आस्था में कमी नहीं आई है। आज भी लोग बड़ी संख्या में गंगा में डुबकी लगाते हैं। शायद इन्हें पता नहीं है कि गंगा में व्याप्त गंदगी की वजह से इसमें सीधे नहाने अथवा इसका जल पीने से स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे हैं। UECPCB अध्ययन के अनुसार जबकि पानी में मौजूद कोलीफॉर्म का स्तर पीने के प्रयोजन के लिए 50 से नीचे, नहाने के लिए 500 से नीचे तथा कृषि उपयोग के लिए 5000 से कम होना चाहिए। हरिद्वार में गंगा में कोलीफॉर्म का वर्तमान स्तर 5500 पहुँच चुका है। मतलब साफ है कि जिस तेजी से हम गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं, उसी तेजी से गंगा भी हमें बीमार बनाने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा खतरा ईकोलाई का है। गंगा के पानी में ईकोलाई के बैक्टीरिया बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लूट खसोट का सिलसिला। गंगा की गंदगी से भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं ने भी चोखा कमाई की है। गंगा को साफ करने की मुहिम के नाम पर करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बैठाया जा चुका है। पिछले 3 दशक से गंगा की सेहत सुधारने की कथित कोशिश में कई हजार करोड़ रुपए कागज पर खर्च किए जा चुके हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की ज्यादातर योजनाएं कागज पर बनी और कागजों पर ही सिमट कर रह गई। गंगा की सफाई के नाम पर लूट खसोट का ये सिलसिला लंबे समय से जारी है। एक ओर गंगा में गंदगी बढ़ती जा रही है तो दूसरी ओर इसकी सफाई के नाम पर लूट खसोट की रकम भी बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर गंगा हर तरह से दोहन का एक साधन बना हुआ है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाल। मुझे किसी ने भेजा है न, मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। राम तेरी।